सेना प्रमुख पर कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित के एक बयान को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। संदीप दीक्षित ने सेना प्रमुख को सड़क का गुंडा कह डाला, बाद में माफी भी मांग ली। अब बीजेपी और रक्षा विशेषज्ञों ने सेना के अपमान के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी मांगने और संदीप दीक्षित को कांग्रेस से बाहर करने की मांग की है। खराब तब लगता है कि जब हमारे भी थल सेना अध्यक्ष एक सड़क के मतलब गुंडे की तरह अपने बयान देते हैं। सुना आपने, कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित सेना प्रमुख के बारे में कुछ ऐसी राय रखते हैं। उनसे पूछा गया था कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा एक महीने में 3 बार LOC का दौरा कर भारत को धमकी दे रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है। इसके जवाब में संदीप दीक्षित के मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकले। फौज जितनी सशक्त है और सीमाओं की जिस मुस्तैदी से वो सुरक्षा करती है, और जब भी पाकिस्तान वहाँ हरकत करता है उसको जवाब देती है, ये सबको मालूम है। वो दूसरी बात है कि आज के प्रधानमंत्री, आज के लोग इस बात को ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाते हैं, लेकिन हमारी सेना सशक्त है और हमेशा सीमाओं पर हमने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। आज की बात नहीं, ये पिछले 70 साल से चलता आ रहा है। पाकिस्तान एक ही चीज़ कर सकता है कि जाके इस तरीके की उलझुल की हरकतें करे और अपने बयानबाजी दे। खराब तब लगता है कि जब हमारे भी थल सेना अध्यक्ष एक सड़क के मतलब गुंडे की तरह अपने बयान देते हैं। बवाल मचा तो संदीप दीक्षित माफी मांग रहे हैं, लेकिन उसमें भी हेकड़ी देखिए। जिस तरीके की इस सेना अध्यक्ष ने पिछले कुछ समय में भाषा इस्तेमाल की है, मुझे एक व्यक्ति के रूप में लगता था कि ये उचित भाषा नहीं होती। हम अपने फौज से एक अलग तरीके का व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन मैं इस बात को अब ज़्यादा नहीं खींचना सकता। मुझे लगता है कि जो मैंने जिस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए हैं वो शायद गलत हैं, और इसलिए मैं माफी भी चाहूंगा, उसको वापस भी लूंगा। संदीप दीक्षित के बयान को लेकर कांग्रेस निशाने पर आ गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, आखिर कांग्रेस के साथ क्या समस्या है? कांग्रेस ने सेना प्रमुख को सड़क का गुंडा कहने की हिम्मत कैसे की? कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के कौन से खास बयान पर आपत्ति है, ये उन्होंने नहीं बताया। लेकिन उनके बयान में जिस तरह से सेना के लिए असमान झलका, उस पर बीजेपी और रक्षा विशेषज्ञ जमकर बहस कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने संदीप दीक्षित के बयान से किनारा कर लिया है। आर्मी है तो हम हैं, सर्दी गर्मी बारिश धूप सह के आर्मी हमारे लिए खड़ी है सरहद पे, तभी तो आज हम डिबेट करते हैं, तभी तो आज हम सब हैं इस देश में। और उस आर्मी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कि वो सड़क के गुंडे हैं, आदरणीय सोनिया जी को बाहर आके क्षमा याचना करनी चाहिए पूरे देश से, और इस प्रकार के नेताओं को कांग्रेस से बाहर निकाल देना चाहिए। मेरे ख्याल में ये इनको माफी मांगनी चाहिए, सेना से माफी मांगनी चाहिए, चीफ से माफी मांगनी चाहिए, पूरे देश की जनता से माफी मांगना चाहिए कि ये किस क्या कहना चाह रहे हैं। इनको मेरे ख्याल में खुद ही समझ में नहीं आया कि ये क्या बोलना चाहते हैं। फौज की पार्टी हमारी पूरी इज्जत करती है, पूरा देश इज्जत करता है, उसके चीफ को अगर इस तरह का कोई लफ्ज बोला गया है तो ये अफसोसनाक है। संदीप दीक्षित ने अपने बयान पर भले माफी मांग ली हो, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसे बयानों से सेना का मनोबल नहीं गिरेगा? क्या ऐसे बयानों से जम्मू कश्मीर के आतंकियों को बल नहीं मिलेगा? और इससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर अपनी राजनीति चमकाने के लिए संदीप दीक्षित जैसे नेता सेना के नाम का इस्तेमाल क्यों करना चाहते हैं? तो संदीप दीक्षित का पहले बयान, फिर उनकी माफी, और उससे भी कांग्रेस की दिक्कत अभी कम नहीं हुई, चूंकि बीजेपी इस मुद्दे पर मुखर है। आगे ये है ABP News, आपको रखे आगे।